हम थोड़ा जानना चाहेंगे जनता जनार्दन से, क्या कहना चाहोगे, क्या रुख लग रहा है अब की दफा? हर वर्ग दुखी हो टाइम से, बीजेपी सरकार से कोई काम नहीं करते, सिर्फ जुमलेबाजी। जैसा कि बीजेपी कह रही है कि 400 पार, 400 का ये 200 का आंकड़ा ही नहीं छू पाएंगे। एक तरफा कांग्रेस की सरकार आएगी अब की बार। आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस क्या है, ना उन किसानों पे काम किया, ना नौजवानों के ऊपर, क्या किसी वर्ग का कुछ काम नहीं किया, इसीलिए लोग बदलाव चाहते हैं। आज के दिन प्रदेश और देश की सबसे बड़ी परेशानी बेरोजगारी। आज के दिन जो पढ़ा लिखा युवा घर बैठा है, नंबर वन आज के दिन है बेरोजगारी। आज हरियाणा नंबर वन है क्राइम में, आज हरियाणा नंबर वन है नशे में। साथियों, आज की हमारी लड़ाई आज के दिन आने वाले भविष्य के लिए। बोलो राजनाथ जी की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। आज की जनता हमारे साथ है, हरियाणा में ही पूरे देश के अंदर बदलाव की लहर। सतपाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अक्षत राव जी को सम्मानित करें। सबसे पहली बात, माता बहन बैठी है, आपको पता है साहब, ये तो है झूठी झूठे भ्रष्ट झूठा पार्टी। भाजपा तो आपसे करते झूठे बातें, 15 लाख खाते में देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फालतू बातें इनसे करवा लो साहब। लेकिन आज क्या हालत है, जो खेल कूद में सबसे आगे हरियाणा होता था, जो पढ़ाई लिखाई में आगे होता था, नंबर वन हुआ करता था, आज वो क्राइम में अपराध में सबसे आगे आ गया। आप लोगों के लिए हमारे नेता राहुल जी ने सोचा है साहब, आपके खाते में 1 लाख रुपए सालाना आएंगे, जिससे आपका भला होगा। बड़े बुजुर्ग हमारे बेटे साहब, आपको पता है गड़ा में आके लगता है जैसे मैं कवाड़ी में आ गई, क्योंकि यहाँ पे नाते रिश्ते बड़े नाजुक हैं और उन नाजुक रिश्ते नातों की वजह से मुझे कभी भी कवाड़ी याद नहीं आता। गांव वालों से मैं ये अपील करती हूँ, इन मौजिया रहो, इन सब ने भेज दियो बहन जी, आपने अपनी अपनी जहाँ जहाँ भी वोट है। आमंत्रित करता हूँ जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था, राव अक्षत सिंह जी। भाई जोरदार तालियां बजा करके राव अक्षत सिंह जी का मान सम्मान करें। बोलो राव दार सिंह की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, श्री राहुल गांधी की, राव अक्षत सिंह की। आज गांव की पवित्र धरा पर पहुंचने पर हमारे साथ में आपकी पूर्व की विधायिका अनिता यादव जी, साथ में सुरेंद्र नम्रदास साहब, हमारे युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष कृष्ण राव जी, रोशन लाल चेयरमैन साहब, एडवोकेट प्रदीप यादव जी नारोल से, कमलेश सैनी जी, हमारे अजीत यादव भाई सीमा से, राजू तोबड़ा जी, हमारे आम आदमी पार्टी से महेंद्र यादव जी, मंगल चेयरमैन साहब, हमारे साथ में आए सत्येंद्र यादव जी एक जिला पार्षद, सुरेंद्र पटवा जी एक जिला पार्षद, अजय यादव जी एक जिला पार्षद, हमारे युवा कांग्रेस के विधानसभा महेंद्रगढ़ के अध्यक्ष अमित यादव जी, सुबेदार श्रीचंद जी, धीरज तोबड़ा जी, कृष्ण प्रधान जी, सतीश प्रधान जी, राहुल राव कनीना से, राहुल यादव हमारे सरपंच पुरावटा से, जितेंद्र गुच्छावास, पंकज बाबू जी हमारे वकील साहब, कुलदीप माजरा, सरजू खेड़की, अमित यादव खातोर, रामपाल कोसरिया जी, हमारे साथ में हंसराज सरपंच साहब, सुधीर मंडोला, हमारे सतप्रकाश रिमोट जी, हमारे राहुल यादव जी पोता से, ऋषि यादव जी एनएसयूआई के हमारे अध्यक्ष, सूरज गोस्वामी जी, सुंदर गोस्वामी जी, व मेरे यहाँ सामने बैठे हैं मेरे पिताजी बुजुर्ग, मेरी युवा साथियों, मेरी मातृशक्ति, समस्त सरदारी। सर्वप्रथम गांव के आगमन पर आप लोगों ने जो प्यार प्रेम और स्नेह से इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, सर पे मान सम्मान की पगड़ी बांधी, यहाँ पे तोला, मैं अपने हृदय गहराई से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, मैं आपको एक चीज बताकर बात शुरू करना चाहूंगा,
आप लोगों ने जो मान सम्मान की पगड़ी दी है, ये मान सम्मान की पगड़ी आपने मान सम्मान में दी, लेकिन मेरी ये सारी उम्र की जिम्मेदारी रहती है कि मैं सारी उम्र इस पगड़ी की लाज ऊपर रखूं, कभी नहीं चलाऊं। साथियों, आप अच्छी तरह परिचित हैं, वर्तमान के अंदर वो समय आ रखा है, वो चुनावी रण के उतरने का समय आ चुका है, जब आपको 10 साल की समीक्षा करने का समय है। आज वो समय है कि आपको और हमारे को तय करना पड़ेगा कि पिछले 10 साल में हमने क्या पाया, क्या खोया। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की, महेंद्रगढ़ क्षेत्र की, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की, हरियाणा प्रदेश की, देश की, सब चीजों की सोच इकट्ठी करके आपको चलना पड़ेगा। मैं अपनी बात आपको बताना चाहता हूँ। एक युवा होने के नाते आपको अपनी बात बताना चाहता हूँ, आपका बेटा होने के नाते अपनी बात बताना चाहता हूँ, आपका भाई होने के नाते अपनी बात बताना चाहता हूँ। मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा कि हमारी आज के दिन प्रदेश और देश की सबसे बड़ी परेशानी बेरोजगारी। आज के दिन हमारे पढ़े लिखे युवा, प्रतिभाशाली युवा घर बैठे उन लोगों को अपना जीवन अंधकार की तरफ दिखता है। और इसकी रिस्पॉन्सिबल, इसकी पूरी तरीके से जिम्मेवार अगर आज कोई है तो भाजपा सरकार है। साथियों, आज से 10 साल पहले आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। सरकार के अंदर एक नारा लगा था, हरियाणा नंबर वन किस में था? हरियाणा नंबर वन था रोजगार में, हरियाणा नंबर वन था प्रति व्यक्ति निवेश में। आज हरियाणा नंबर वन नहीं रहा, पर हाँ, हरियाणा नंबर वन आज कितने है? बेरोजगारी में। आज हरियाणा नंबर वन है क्राइम में। आज हरियाणा नंबर वन है महिला की सुरक्षा को नहीं करना पाने में। तो साथियों, ऐसी अनेकों चीजें हैं जो आपको हमारे को सोचने की जरूरत है। अगर मैं शुरुआत करूं तो हमारे युवाओं की बेरोजगारी से करना चाहूंगा। युवाओं ने आज के दिन जो पढ़ा लिखा युवा घर बैठा है। आज साथियों, आज उस मजबूरन को जवान बच्चा घर बैठा है, उसकी माँ बाप की आशाएं खत्म हो रही है। मैं बस एक बात कह रहा हूं, आप लोग राव दान सिंह जी को अच्छी तरह जानते हैं। राव दान सिंह जी को यहाँ की जनता ने पहचान दी है। राव दान सिंह जी को आपके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचाने का मौका मिला है कि वो 4 बार विधानसभा में आपकी आवाज उठाए। आप लोग सभी, मेरी माताएं बहनें, मेरे युवा साथी, मिलके आने वाले भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करें। हाथ के बटन पर राव दान सिंह जी के नाम पर मतदान करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये आवाज अकेली यहाँ नहीं रुकेगी। आपकी ये आवाज दिल्ली तो बदलेगी, ये आवाज चंडीगढ़ के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार लाएगी, जो आपके हितों के लिए काम करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक तरफा जित निश्चित आसार दिखाई दे, राव दान सिंह का सार है प्रचार दिखाई दे, राव दान सिंह का सार है प्रचार दिखाई दे। नेता से पक्का धनी बात का, सब ते भाईचारा रखे याड़ी सभी जात का, याड़ी सभी जात का। देश तीन साथ 2400 घंटे दिवस रात का, हम 25 मई के दिन भाइयों सब दाबो बटन हाथ का, दाबो बटन हाथ का। मुलाकात का टेम हर समय त्यार दिखाई दे, राव दान सिंह का सार है प्रचार दिखाई दे, राव दान सिंह का सार है प्रचार दिखाई दे। के सब ते बात करे कितना प्यारा अंदाज रे, कितना प्यारा अंदाज रे। आपके बीच में
वहां से लड़ाई कर रही है। भाई बैठ जाए सारे साथी। बड़ा बात करनी है हमारे बड़े अजीत अर्शद साहब जी साथ में आई हुई मैं अरुण यादव जी भाई कृष्ण राम जी और भाई हमारे तमाम कांग्रेस साहब के नाम में मान सम्मान अगली के साथ जोरदार तालियां युवराज कुमार जी को मान सम्मान भाई जोरदार तालियां भैरव पिता यादव जी साहब के बीच में मान सम्मान। अब हमारे बीच में कृष्ण राव जी हैं राम नरेंद्र सिंह जी के बेटे भाई मैं जगदीश नंबरदार जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और इनका भी मान सम्मान करें। बहुत ही मान और सम्मान के लोग इस गांव की जितनी भी मौजूदा सरकारी है मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों माताओं बहनों और मेरे युवा साथियों वैसे तो ये अक्षत भाई आपको पता होगा ये पहलवानों का गांव है तो यहाँ पे बड़े मजबूत सारे बढ़िया युवा शक्ति क्या कि बहुत बढ़िया है। और साहब मेरे परिवार की तरफ से राव नरेंद्र सिंह जी की तरफ से आप सभी को राम राम जी। मेरे सारे युवा भाई परेशान हैं नशे की तरफ चल चुके हैं। सच बात यह है युवा आज बहका हुआ है हताश है परेशान है। मैं आपका आज दुख समझता हूँ भाई आप जैसे हजारों साथी लाखों लोग भाइयों ने मेरे को मिलते हैं अपना दुख बताते हैं। बोलो रामदास जी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की श्री राहुल गांधी की राम अक्षर सिंह की। धन्यवाद साथियों राम अक्षर सिंह जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी हमारा हरियाणा नंबर वन था। हरियाणा नंबर वन किसमें था रोजगार के अवसरों में। हरियाणा नंबर वन किसमें था प्रति व्यक्ति निवेश में। आज हरियाणा का क्या हालात है आज हरियाणा नंबर वन है बेरोजगारी में। आज हरियाणा नंबर वन है क्राइम में। आज हरियाणा नंबर वन है नशे में। साथियों आपकी हमारी लड़ाई आज के दिन आने वाले भविष्य के लिए है। हमारे को भविष्य को दिमाग में रखते हुए एक बात सोचनी है कि रोजगार किस तरह बनेगा। मैं देखता हूँ मेरी माताओं बहनों से मिलता हूँ मैं पिछले कुछ दिन से लगातार बुजुर्गों से मिलता हूँ जब भी किसी के पैर में हाथ लगाता हूँ उनके मन से एक आवाज होती है कि बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए हमारे को आने वाले भावी भविष्य के लिए चाहिए। जो हमारी भावी जनरेशन है हम लोग उसके लिए रोजगार चाहिए। तो हमारे पकड़ कर नौकरी लगा लियो हमारे कुछ नहीं चाहिए हम संघर्ष करने के लिए तैयार है। अग्नि सम्मानित करेंगे अच्छा भैया आपने वो कहावत तो सुनी है ना छोटा काटे बड़ा धमाका। अरे हमारा गांव वो है कि साहब बड़े ही साइज में छोटा हो जनता काम आए लेकिन ये वोटों में ऐसा धमाका करेगी बटक के मारेंगे भाजपा वालों को। हमें भरोसा है उच्च की जनता में। और साहब आप लोग मान सम्मान रखना दान सिंह जी को पूरे इज्जत से रखना और किसानों का समय आ गया है एमएसपी का कानून बनवाए आप लोगों के दान सिंह की अनिता यादव की कांग्रेस पार्टी की धन्यवाद जी आप सबका। मैं पंथ का नाम है मैं सभी लोगों को यहाँ पे सम्मानित मंच मेरे युवा साथियों मेरे बुजुर्गों सूरत ग्राम वासियों कहना चाहता हूँ कि हम लोग विशेष गांव के अंदर शारीरिक प्रोग्राम में शादी के प्रोग्राम में वहाँ भी इतना जोश था तो सब कह रहे थे आप टिकट लेके आओ मैं एक तरफा का हमें काम करेंगे। देखो जी आप लोगों के आदेश अनुसार टिकट तो लिया है अब जिम्मेवारी आपकी है अब आपकी जिम्मेवारी है। वर्तमान के अंदर जो भाजपा सरकार के लोग हैं जो ऊपर हमारे उनके ऊपर बैठा हुआ है आपके वहां पे एक तानाशाह सरकार आ रही है जो आपको और हमारे सबसे पहले सबसे जरूरी चीज संविधान को बदलने की बात कर रहा है। ये संविधान जो भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है
ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ मिलकर संविधान बनाया है, इस संविधान को बदलने के प्रयास कर रहा है। मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप सबसे आश्वासन चाहता हूँ, इस संविधान की लड़ाई में आप सभी साथी हमारा साथ दें और संविधान बदलने वाले को ये सबक सिखाए कि जो संविधान बदलने के बाद करेगा उसका तक टोटल बदलने का आप लोग काम करें, इस भरोसे के साथ मैं आपके बीच में आया। पढ़ा लिखा युवा आज घर बैठा है और हम लोगों का समय आ चुका है कि आप लोग अपनी ताकत से अपने भविष्य के बारे में विचार करते हुए रोजगार के लिए हमारे आने वाली सरकार के अंदर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें। अभी ये करने की बजाय उन्होंने कहा कम से कम सवा महीना तो कोई आव जाओ नहीं करेगा, तो मैंने कहा हम गाँव का सम्मान करते हैं, गाँव जितना चाहते हैं उसकी लड़ाई, तो आप लोगों से एक तो कंफ्यूजन के लिए माफी चाहता हूँ, ये मदद सुविधा के लिए आप लोग पहले तो आपका खुद का गाँव, ये पापा का प्रिय गाँव, आप सभी साथी का बहुत रखती है, आप सबसे प्यार प्रोग्राम में जानता हूँ बहुत महिला आए आके चली गई, लेकिन आप निश्चित रहो उन सारी जितनी भी मातृशक्ति है उनको एक चीज कहना कि उनका बेटा उनके बीच में आया था, उनसे निवेदन करके गया है 25 तारीख के लिए वक्त मिला, बीच में तो 100% फिर से आ जाएंगे, वो प्रश्न नहीं है, ठीक है ना, आपको इतनी बात करना चाहता हूँ, ठीक है ना। धरो जीत का ताजर धरो जीत का ताजर, उठ रही एक आवाज दान सिंह पार दिखाई दे, राव दान सिंह का सार पर चार दिखाई दे। बैठ जाए एक बार सारे साथी बैठ जाए आकर के, देखो गद्दे बिछे हुए हैं, बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था गांव बस्ती में कर रखी है, बैठो नहीं बैठो, पैदलों से तोड़ने जाएंगे भाई, एक क्विंटल वजन एक क्विंटल लड्डू, और भाई सारे साथी प्रसाद लेकर के जाए, भाई सारे भाई जोरदार तालियां सारे साथी। बीजेपी झूठों का दल अब बहकावे मैं मत आईयो, रिश्तेदार यार प्यारे सब भैया ने भी समझाइयो, सब भैया ने भी समझाइयो। एक बार पीछे हाथ लगा ले, हाथ थोड़ा आदर मैं सुनूं मान सम्मान का प्रोग्राम समाप्त, भाई केशरलाल जी का भी मान सम्मान आपके बीच में, भाई जोरदार तालियां भाई केशरलाल जी के लिए, आप भाई हमारे बीच में भाई एक एक लड्डू की एक 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 लड्डू जोड़ जोड़ के कितनी बड़ी माला बनेगी एक क्विंटल में देख लो, तो इतनी सारी गाड़ियां 20-25 तारीख तक निकलनी चाहिए गाँव से। मैं आपने और हमने क्या पाया क्या खोया है, आज से 10 साल पहले आपके और हमारे बीच में सत्ता सी भाजपा के लोग आए थे, उन्होंने एक विधि नीति और नियत उन्हें बताई थी कि वक्त आने पर आपको और हमारे को हर एक वर्ग को सम्मान देने का काम करेंगे। आज जिस बराबर हालात के अंदर पूरा देश और प्रदेश का पूरा प्रजातंत्र है ये आपके सामने है, आज तानाशाह सरदेव पर बैठा है जो एक एक लाठी सबको हाँक रहा है, तो युवा साथियों मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, वर्तमान के हालात वर्तमान की जिस तरह की बर्बरता से आपका संघर्ष जो आपके बीच में है वो आप लोगों में भरपूर होता है, हमारे जो हालात जो युवा के हैं सबसे बड़े परेशानी के हैं वो एक बात के हैं, हमारे युवाओं में बेरोजगारी है, इस सपने से वंचित करने का काम वर्तमान की भाजपा सरकार ने करा है, इनमें अग्निवीर नाम की एक योजना आपके और हमारे पहुंची है, एक कच्ची पहुंच की योजना, लेकिन रोष है कि जब प्रदर्शन कराया कि अग्निवीर गलत है तो उनको एक चीज देकर धमकाया गया,
कि आप या तो मर जाओ उनका आपकी वीडियो बन जाएगी, कभी भी आप लोगों को आपसे नहीं कर पाओगे, नौकरी नहीं कर पाओगे, आपके पुलिस केस बन जाएंगे। मेरे युवाओं, मैं आपको कहता हूँ मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आपके साथ खड़ा होकर आपके जान बोलो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और युवाओं, आपके लिए एक शब्द एक लाइन बोल के इस बात को पूरा करूंगा, इस बारी बात को संघर्षों के साय में, संघर्षों के साय में क्रिया लानी पड़ती है कि राष्ट्र सदा उस ओर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो मेरे जवान भाई आपकी दफा क्या चुनौतियां हैं और कैसे उसको बीट कर पाएंगे? देखिए चुनौतियां तो हमारे लिए नहीं, चुनौतियां भाजपा के लिए। आज की जनता हमारे साथ है, जो वर्तमान के अंदर जो भाजपा से एमपी हैं, सिटिंग एमपी हैं, उनकी एक सोच होगी, उनको लग रहा था इस देश के अंदर वो किसी भी तरीके से चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जनता के अंदर उन्होंने मैसेज दिया कि तुमने भाजपा को वोट दिया, मोदी को वोट दिया, मेरे को वोट उसे क्या लेने देना, हमारी मोटिव वोटिव मुफ्त के अंदर मानते रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ समय आ चुका है कि बदलने वाला है, उनका बदलाव आएगा और चेंज होगा, तख्ता पलट। क्या अलग ऐसा कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में है, क्या आप देना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे अपने वोटों को क्या देना? देखो देना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट सबसे प्राथमिकता की बात करते हैं वह रोजगार। हमारे पूरे देश के अंदर 30 लाख रोजगार आज की दिन नौकरियां, सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको भरने का काम करेंगे। 2 लाख नौकरियां अकेली हमारे हरियाणा प्रदेश में भरने का काम करेंगे। और आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारे क्षेत्र की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो हमारी अचीवमेंट है वो इस चीज़ की होगी जब कि हम जाके यहाँ पे IIT खुटाना पड़ेगा। IIT खुटाना हमारी नीड है, उद्योग की जगह है, हमारे पास ज़मीन है, हम लोगों को बाहर से इंडस्ट्रीज को यहाँ दे के आना है, यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करनी है, यहाँ पर बड़े प्रतिभाशाली लोग, यू हैव स्किल्ड लेबर। जो स्किल्ड लेबर की जो लड़ाई आज के दिन हर एक उद्योग के अंदर रहती है वो हमारे पास ऑलरेडी है, ये प्रतिभा होने के बावजूद हमारे यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा, तो इस बात को लेकर हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे संक्षिप्त में, अगर कहना चाहें तो हमारे युवाओं को? सबसे पहले मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगी कि राव दान सिंह जैसे कर्मठ नेता को दिवानी और महेंद्रगढ़ जिले का लोकसभा का प्रत्याशी बनाया और हमें इनके टिकट मिलने में ही सब कुछ सेटिस्फेक्शन हो गया कि हमारा अवश्य ही उद्धार होगा युवाओं की। जी युवाओं की बात की तो हमारे बीच एक और युवा नेता है जो राव नरेंद्र जी के सुपुत्र हैं, सुधाव जी, हम उससे बात करना चाहें। आप यूथ मिनिस्ट्री, यूथ को बिल्कुल टारगेट करके किस तरह से आप इसको चुनाव को बनाना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया करूंगा विंसन न्यूज़ का और साहब गोस्वामी जी, आप एक बहुत अच्छा पत्रकारिता और मजबूती से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मजबूत है इतिहास देखने से बनता है और लोगों में जो उत्साह है आज आप देख रहे हैं हमारे प्रत्याशी राव दान सिंह। राव दान सिंह छात्र संघ से आए, उनकी एक सोच है। आज भी हम जो गांव में आए हैं तो अपना ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि साथ रोजगार के फॉरम बता रहे हैं, आने वाला भविष्य सबको दिखाई दे रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के 10 साल पहले जो सरकार थी, 2024 के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बनेगी और हमें विश्वास है क्षेत्र का विकास चौमुखी होगा, हर कोने के अंदर डेवलपमेंट कराने का काम होगा। तेरे हाथ में देखना गाँव है डोर ये हरियाणे की, हो पक्की जुबान के नेता धड़कन तू सयाने सयाने की, तेरे हाथ में देखना गाँव है जैसा कि आज हम बागेश्वरी धाम बाघोद गांव में स्थित है और बहुत ही पुराना शिव मंदिर है और यहाँ पे क्या बोलते हैं इलेक्शन की रैली का दौर चला हुआ है। अभी एक कांग्रेस प्रत्याशी जो राव दान सिंह जी हैं, उनके सुपुत्र और एक्स MLA अनीता यादव और कृष्ण राव आए जो कि राव नरेंद्र के लड़के हैं। अभी हम थोड़ा जानना चाहेंगे जनता जनार्दन से, क्या कहना चाहोगे, क्या रुख लग रहा है अब की दफ़ा, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है या एक तरफा कांग्रेस है या एक तरफा बीजेपी है, जैसे कहते हैं कि 400 पार अब की बार, 400 पार, क्या कहना चाहिए? एक तरफा कांग्रेस की सरकार आएगी अब की बार, पक्का? हाँ जी,
अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जी? कांग्रेस की आई है एक तरफ। इसी गांव के बासिंदे हैं आप? हाँ जी, बागोत। बागोत, हाँ जी। बागोत ने मन बना लिया है कि सिर्फ कांग्रेस? कांग्रेस जी, पूरा मन बना रहा। क्यों, बीजेपी ने काम नहीं करवाया? ना जी, 10 साल में रहा तो देखे को नाम ना धर्मवीर आके ही नहीं देखे? नहीं जी, गाँव में नहीं आया। आप क्या कहना चाहोगे? सिर्फ कांग्रेस, रावदान सिंह जी। रावदान क्या लगता है युवाओं के लिए, क्या बीजेपी ने कुछ किया नहीं कि कैसे, क्या किस हिसाब से सभी एक तरफा ही जो लग रहा है कि कांग्रेस 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 जी? भाजपा ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ चुनावी वादे किए और लोगों को गुमराह किया। ना उन किसानों पे काम किया, ना नौजवानों के ऊपर, क्या किसी वर्ग का कुछ काम नहीं किया। इसीलिए लोग बदलाव चाहते हैं, युवा वर्ग, किसान, नौजवान, हर वर्ग लोग बदलाव चाहते हैं। आगे ज़्यादा से ज़्यादा इनको उखाड़ के फेंको और कांग्रेस की प्रदेश में भी सरकार बनाओ और देश में भी बनाओ। जो कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला लिया रावदान सिंह के ऊपर लोकसभा के लिए, ये बिल्कुल मेरिट का फैसला है, बिल्कुल सही, जेन्युइन फैसला है। आर पार का फैसला, आर पार का फैसला, मेरिट बनेगी जीत की आप संभावना नहीं, मेरिट बनेगी। 400 पार का क्या हो, ये सब बकवास है, चुनावी ड्रामे हैं ये। इनके पास जो नेता टूट के चले जाते हैं, ये दूध दही हो जाते हैं, और जिनके पास चले जाते हैं उनके ऊपर ईडी लगा देते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र में कोई है कोई चीज़ ये? कोई ये सब, ये जोड़ तोड़ की सरकार बनाओ है, झूठ साज की, ये सब तो यहाँ पे सभी कांग्रेस, बिल्कुल जी, बिल्कुल सभी कांग्रेस के हैं, एक तरफा कांग्रेस के प्रदेश में लहर चल गई जी, पूरा प्रदेश में। आप क्या कहना चाहेंगे जी? जैसा कि बीजेपी कह रही है कि 400 पार 400 का, ये 200 का आंकड़ा ही नहीं छू पाएंगे। अच्छा जी भाई, ये लहर बना देते हैं कि 400 पार 400 पार। गरीब मजदूर जो किसान है, वो जो सुनता है मीडिया से, उसी को देखकर वोट दे देता है, उसको जो धरातल की सच्चाई वो पता नहीं चलती, और लहर लहर में वोट दे देता है। 400 क्या, मैं कहना चाहूँगा कि 200 भी ये पार नहीं कर पाएंगे। अब जी, हर वर्ग परेशान है जी। अच्छा, हर वर्ग परेशान है। आप क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? आप तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके चैनल के दर्शकों को धन्यवाद। और अब की बार जनता ने मन बना लिया है, बदलाव निश्चित है। हर वर्ग दुखी है इनसे, बीजेपी सरकार से कोई काम नहीं करते, सिर्फ जुमलेबाजी, मुद्दों की बात करते नहीं, सारी चीज़ वो दूसरी भटकाते रहते लोगों को। अब की बार जनता ने मन बना लिया है, अब की बार बदलाव निश्चित है। बेरोजगारी बेरोजगारी भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लेकिन हर वर्ग जो ये राम मंदिर बना है, अभी मंदिर के पावन धरती पे खड़े हैं, आप बताइए क्या मंदिर जो बना है राम मंदिर, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखो देखो, मंदिर के भगत तो राम के भगत तो हम भी हैं, सभी हैं, लेकिन वो ठीक है, लेकिन वो मुद्दा थोड़ी हुआ। बात तो ठीक है, हम भगत हैं, राम का नाम हम भी लेते हैं, सारी दुनिया ले हुआ है, लेकिन ये थोड़ा ही है कि राम मंदिर बना लिया, उसके खिलाफ थोड़ी है। तो अब इस वक्त रात के 10 बज चुके हैं और मीटिंगों का दौर अभी भी चालू है। इस वक्त हैं हम गांव झिंगावण में, और झिंगावण में अभी इंतज़ार हो रहा है यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रावदान सिंह, उनके सुपुत्र यहाँ पे सभी पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं अक्षत राव, तो उनका इंतज़ार चल रहा है जी। रात के 10 बज चुके हैं और अभी भी मीटिंग के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं? देखो जी, ये चुनाव का माहौल है और विशेषकर ये बीजेपी का और युवाओं का, रोज़गार का, कृषि का और महंगाई का विशेषकर मुद्दा है। सभी की एक ही सोच है, अगर बीजेपी भगाओ और कांग्रेस ले आओ, जो रोज़गार को बचाओ, युवाओं को बचाओ, विशेषकर जो ये 4 साल की कानून जो लागू हो रही है बच्चों के लिए, ये इनके भविष्य के लिए खिलवाड़ किया गया है, और इससे युवा बच्चों में काफ़ी भारी रोष है। नहीं कृषि कानून की, उससे भी काफ़ी किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ है, नहीं टाइम पर भाव मिलता, नहीं पैसे मिलते, नहीं बीज, हर एक चीज़ महंगाई है। तो अग्निवीर से जो है ज़्यादा परेशानी हो रही है, जो अग्निवीर बनाया। आप युवा हैं, आप लोग यूथ हैं, आप क्या कहना चाहोगे? 4 साल के लिए एक जॉब मिले वो बेटर है, या स्टेबल जॉब चाहिए, किस तरह का आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मूलतः जो भारत देश है वो 70-80% देश के जितनी भी पॉपुलेशन है वो कृषि पर आधारित है, और वो यही चाहते हैं, उनको जो भी बच्चों के एक स्टेबल जॉब मिले ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर चुके। डेवलप्ड कंट्रीज़ की या जहाँ की बातें करते हैं, जहाँ पर 4 साल की ये नौकरी होती है, वहाँ पर इस नौकरी को एज ए सर्विस माना ही नहीं जाता, फिजिकल फिटनेस की तरह, फिजिकल फिटनेस की तरह। और एज एन कभी भी अगर उन देशों में इस युद्ध की स्थिति हो जाए, तो उनको इतनी कम पॉपुलेशन है कि युद्ध के लिए हर नागरिक उनका तैयार तैयार, भारत में वो दिक्कत नहीं है। और इस सरकार की
मूलतः ये जनता की लड़ाई हो चुकी है, ना तो ये कांग्रेस की लड़ाई है ना किसी और की, ये सिर्फ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इनके मूलतः जितने भी कानून नियम और जितने भी चीज़ें आज तक हुई हैं सरकार में, जितनी भी योजनाएं हुई, अगर किसी भी उस विषय से रिलेटेड आप किसी भी राजनीतिक विशेषज्ञ को सुनेंगे या उस फील्ड से रिलेटेड किसी विशेषज्ञ को सुनेंगे तो वो आपको एक भी योजना का लाभ नहीं बताएगा। मूलतः गांव ग्रामीण क्षेत्र में आप चीज़ें देखेंगे तो 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 का हो चुका है। बेरोजगारी मेन है, बेरोजगारी तो सबसे मुद्दा है ही है। खेती के जो कानून आए थे, किसानों ने 1.5 साल दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर 700 अपने साथी खोए एक सही कानून की लड़ाई के लिए, शहादत दी, उनका इनके पास कोई जिक्र नहीं है। बॉर्डर पर जो शहादतें हुई थी जम्मू कश्मीर में, उनके परिवारों को जो लाभ देने की बातें, जो मुआवजे देने की बातें, वो आज तक उन परिवारों तक नहीं पहुंचा। मीडिया में ये बातें कहीं भी नहीं है। नहीं, मीडिया तो अपना काम कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बट ये है कि आपने जो मुद्दा उठाया है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए, वो है ना? नहीं, वो सारी चीज़ें हैं, सहमत है कि ये मीडिया में बातें हैं, लोकल मीडिया में बातें हैं, यूट्यूब पर है, कुछ जागरूक जो पत्रकार हैं वो ये कार्य कर रहे हैं और वो आज़ादी के समय में भी वो पत्रकार कर रहे हैं। पर आप मेन स्ट्रीम मीडिया की जहां बात करेंगे, टीवी चैनलों पर ये मुद्दे नहीं हैं, वहां पर सिर्फ साम्प्रदायिक दंगे फैलाने की बातें होती हैं। इस हद की बेहूदगी और इस हद की बातचीत ना तो आज तक इस देश की जनता ने कभी सुनी थी, ना तो मीडिया में, ना ही समाज में। चलो कोई नहीं, आपकी आवाज़ बड़ी बुलंद है, हम उठाने की कोशिश करेंगे। हम अपने युवा साथी और खड़े, हम इनसे बात करेंगे। जैसे अभी राम मंदिर बना और जैसे कहते हैं मोदी की गारंटी, आपको नहीं लगता है कि मोदी जो है आने वाले टाइम में कुछ कर पाएंगे? नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा नमस्कार, मैं करमवीर जिगाउन से। जो धर्म की बात है, आप राम मंदिर की बात करें, और राम एक हरियाणा का और पूरे भारत का हर नागरिक सुबह से शाम तक राम का नाम लेता है, राम 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 राम, किसी भी काम को शुरू करने से पहले बोलते हैं कि राम राम। और उस चीज़ के लिए हमको प्रूफ देना पड़ रहा है कि हम अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो तुम राम के भगत नहीं हो, ये चीज़ प्रूव करनी पड़ रही है। किस लिए प्रूव करनी पड़ रही है? क्योंकि एक देशद्रोह, अगर आप राष्ट्रवादी आदमी हो तो आप बीजेपी ज्वाइन करो, वरना आप राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। नारा चला के हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर गारंटी की बात सुनो, गारंटी की बात ऐसी कर रहे हैं किसी भी चीज में, जो पुरानी की आप कोई भी बात देख लो, अभी कर रहे हैं कि मोदी कर रहे हैं वैक्सीन के ऊपर, मोदी की गारंटी फ्री वैक्सीन लगी, वैक्सीनेशन अभी सबको हुआ, उसमें क्या कोविशील्ड मान लिया कि एक वैक्सीन में खामियां निकाल दी, हर जगह पे निकाल दी। किसी टाइम में अगर गारंटी कांग्रेस सरकार के टाइम में थी, चेचक का इलाज लगाओ, पोलियो का लगाओ, अगर वो उस टाइम पे नहीं होते और अब तक अगर कोई भी एक साइंटिस्ट उनमें थोड़ी सी खामी निकाल के दिखाओ, वो गारंटी तो असली उसको बोलते हैं। बहुत ही मतलब गंभीर बात की है इन्होंने कि अभी चर्चा चल रही है मीडिया में कि कोविड के जो इंजेक्शन लगे उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। मैं दोबारा फिर इस मुद्दे पर आता हूँ, जैसे अभी रात के 10 बजे हुए, यहाँ आप किस कैंडिडेट का इंतज़ार कर रहे हैं और आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है या अभी भी एनर्जी उतनी है? क्योंकि हम डिबेट से तो लग रहा है एनर्जी वही है। हम अभी हमारे भावी सांसद राव दान सिंह के सुपुत्र अक्षत राव का वेट कर रहे हैं, जनसभा में ज़्यादा गांव होने की वजह से वो ज़्यादा पहुंच नहीं पाते, लेट तक प्रोग्राम करने पड़ते हैं, हम उसी का वेट कर रहे हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे और पूरी सपोर्ट के साथ, दिल से साथ खड़े हैं। बहुत अच्छी बात, हम थोड़ा इधर भी बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने बात की जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पूर्व सरपंच बागमल जगाउन से हूँ, जो पूछोगे वो बात वही कहूँगा मैं। नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी देर रात हो चुकी है, आप इंतजार कर रहे हो, आप अपने इलाके में किस कैंडिडेट को जिता के भेजेंगे? दान सिंह, राव दान सिंह का इंतजार कर रहे हैं, उसका सपुत्र आना है और सुबह 7 बज जाएंगे ना तक, तब तक भी उसका इंतजार करते रहेंगे। सुबह 7 बजे तक इंतजार करने की जो है आपके अंदर क्षमता है? क्षमता है। आप अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं? भारी बहुमत से जिताने का हिसाब है हमारा। हाँ जी, एक्स पंच जी भागवत सर के साथ इसी इंतजार करें। दोनों एक्स एक्स, तो डबल एक्स हो गए। ये पंच है, एक्स एक्स जो है डबल एक्स हो गए। इसके बाद मैं, इसके बाद आप भी सरपंच हो, ये सब ये ट्रिपल एक्स हो गए। भाई बहुत बढ़िया, चलिए बोले। और हालिया सरपंच भी है, मैं ये कमाल है, सारे सरपंच जो है जुड़ गए। आप इधर आइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये एक सरपंच, ये एक सरपंच, आप भी एक सरपंच, ये फिलहाल के सरपंच करंट जो है। आप क्या कहना चाहेंगे अभी, किसको आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिता के? देखिए,
सरकारें आती हैं जाती हैं, जिसका मन मिलता है उसको सपोर्ट करते हैं आदमी, मगर एक चीज़ कभी भी किसी भी आप एक जगह बैठोगे तो आप उस चीज़ से उब जाओगे और एक चीज़ को बदलाव है ना वो सबसे कहते हैं कि बदलाव जरूरी है, चीज़ें बदलती हैं। तो मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं 10 साल में आप उब चुके हो। हाँ, उब चुके हैं। अच्छा, तो अब आप चाहते हो कि राव दान सिंह और कांग्रेस की बिल्कुल सारे कांग्रेस समर्थक हैं, सारे कांग्रेस समर्थक हैं। और उब चुकने वाली बात तो दूसरी होती है, ये होता है इसने काम नहीं किया कुछ भी, ये तो 4 साल भर्ती करी फौज की, मैं पूरे सुन बागन बोल रहा हूँ, तो वो कौन सी बढ़िया बात है, हमारे बच्चे 4 साल वहां जाएंगे, उसके बाद आगे एकाएक क्या करेंगे, या जेब काटेगा या और की मतमाशी करेगा, उन और को धंधा नहीं है, जमींदारा खातर कुछ नहीं करो। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे और क्या करते हैं आप? मैं जी विजेंद्र गोस्वामी, जी गांव महेंद्रगढ़ से हूं, और जी अपने खेती बाड़ी का काम करते हैं, और मतलब की हम पूरी सपोर्ट कांग्रेस की हमारे गाँव से जी फुल बहुमत से, हाँ जी जी गाँव से फुल बहुमत से जीत रहा है। और आप भी इन्हीं के तरह से सुबह 7 बजे तक आए, आप इंतजार करोगे आपके लिए? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये जज्बा होता है कि, और कब से इंतजार कर रहे हैं अंदाजा? हम तो जी ये लगा लो 2 बजे से, 2 बजे से 12 बजे अपनी तैयारी करते थे, साफ सफाई करके, लेट हो गया इसके, लेट प्रोग्राम लेट चल रहा है मतलब काफी, लेकिन फिर भी जज्बा मतलब जो है काबिले तारीफ है कि इंतजार कर रहे हैं, अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं कि जब जैसे आएंगे उनको सुनने के लिए, उनका विचार सुनने के लिए, और उनके समर्थक हैं। अपना कीमती मतदान जो आप लोग 25 तारीख को करेंगे, 25 तारीख का मतदान आपके भविष्य को दिमाग में रख के करना, आपको इस बात को दिमाग में रख के करना कि आप अपना खुद का चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बात तो आप अपना खुद का चुनाव लड़ रहे हैं, राव दान सिंह कोई शख्सियत नहीं होती अगर आप लोग उनके साथ बैठ के संघर्ष नहीं करते, आप लोगों ने सदैव उनके साथ संघर्ष करा, ये हमारे मन में हमारा ऋण है, कोई मौका आएगा कोई अवसर आएगा हम इस ऋण को ब्याज समेत निपटाने का काम करेंगे। आप सबसे निवेदन है 25 तारीख को हाथ के निशान पे राव दान सिंह जी के नाम के सामने, आपके खुद के लाडले के नाम के सामने, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के सामने अपना कीमती मतदान करिए। ये मतदान सिर्फ दिल्ली लोकसभा का नहीं होगा, ये मतदान आने वाली विधानसभा में आप लोगों की जो 14 आप सब यहाँ पे रात की रात में रुके हमारी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल देखते रहिए, हम इसी तरह से आपको लाइव लोकेशन से आपको न्यूज़ दिखाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग अस।